जय हिंद। 25 मार्च 2020 को लगा था लॉकडाउन और अब चल रहा है अनलॉक 3, जिसमें बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, जिसमें से एक है हमारा जिम। तो ऐसे में जिम जाना कितना सेफ़ है? फ़ोन तो आ गए होंगे हमारे पास कि सर जिम कब से आ रहे हो, जिम खुल गया है पूरे सैनिटाइजेशन के साथ, तो जाना सेफ़ है क्या? आप लोगों को क्या लगता है? देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। दिस इज शुभम दुबे साइनिंग इन टू योर फिटनेस स्टोरीज एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो भाई यहाँ पे जिम जाना कितना सही है और कितना नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके जिम के ओनर के ऊपर कि वो कितने अच्छे से गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है और आप कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जिम ऐसी जगह है जो कि सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक जगह है। वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा था अब तक। अब शायद गाइडलाइंस को फॉलो करके जिम ओनर्स उस चीज़ को लागू कर सकें जो कि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा उनके लिए, पर उनको करना पड़ेगा अगर उनको जिम वापस से खोलना है अच्छे से। तो ऐसे में आप लोगों को क्या चीज़ पता होनी चाहिए? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिम सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक जगह होती है, जहाँ पे एक ही हाथ से सब डंबल पकड़ रहे हैं, एक ही तरीके के सेट ऑफ डंबल पड़े हैं वहाँ पे, उसी को सब यूज़ कर रहे हैं, एक ही मशीन पे बार बार टच हो रहा है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाओ, ऐसे में पॉसिबल नहीं है। गाइडलाइंस में ये लिखा गया है, बहुत सारे जिम से ये तक सुनने में आ रहा है कि 15 लोग जाएंगे एक बार, 1 घंटे का वर्कआउट होगा और हर घंटे बाद सैनिटाइज होगा पूरा जिम। अपना अपना सैनिटाइज़र आप जिम में लेके जाओ, इवन आप मास्क पहन के जाओ जिम में एक्सरसाइज करो। तो ये कहाँ तक प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? अनहाइजीनिक इसलिए है क्योंकि स्वेटिंग होती है वहीं पे, सलाइवा होता है लोगों का, इसलिए भी। अब यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया गया है कि मास्क पहन के आप वर्कआउट करो, जो कि कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। वुहान में ही एक 26 साल का बंदा रनिंग कर रहा था मास्क पहन के और उसके लंग्स कोलैप्स हो गए, उसकी वहीं डेथ हो गई क्योंकि इतनी हैवी ब्रीदिंग हो जाती है। सिर्फ वो रनिंग जॉगिंग कर रहा था, यहाँ पे तो आपको वेट्स लिफ्ट करना है, आपका बीएमआर बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर आपका फेस कवर्ड है मास्क से तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कहीं से कहीं तक। आपको सांस लेने में तो वैसे ही तकलीफ चालू हो जाएगी, फिर कोरोना तो दूर की बात है, तो फिर कब तक? बिना जिम के तो मुश्किल है यार, हम कैसे करेंगे? इवन ट्रेनर्स जो हैं उनके साथ कितनी बड़ी समस्या, उनकी तो जॉब चली गई है। जिम ओनर्स उनके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनको सोर्स ऑफ इनकम उनका बंद हो गया है, तो ये थोड़ा सा गलत है। पर भाई आप एक चीज़ ये भी तो देखो कि वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीनेशंस आने वाला है, वो आ जाए उसके बाद आप जाओ, उसके बाद कोई इशू नहीं है क्योंकि वो ही एक परमानेंट सोल्यूशन है। अगर आप देखो कि मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, सैनिटाइज करके हर डंबल को हर जिम के 1 घंटे बाद पूरा जिम सैनिटाइज हो रहा है और 4 फीट का डिस्टेंस रख रहे हो आप ट्रेनर ट्रेनी के बीच में, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल वही है कि एक परमानेंट सोल्यूशन आ जाए कोरोना का और उसके बाद आप जैसे पहले एक्सरसाइज करते थे वैसे एक्सरसाइज करना चालू कर सकते हो, लेकिन वैक्सीन आने में थोड़ा सा समय है, तब तक और रुक जाओ, इतना समय निकाल ही लिया है। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे केस में, इसके केस में, जिम ओनर के केस में, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हो जिम में, या फिर आपका जिम ओनर ये सब चीज़ें ध्यान रख सकता है, तो भाई आप बिल्कुल जा सकते हो। क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है किसी भी तरीके का, आप लोग डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ऑनलाइन चाहिए तो अगेन लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मिलता हूँ सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शुभम दुबे साइनिंग आउट फ्रॉम योर फिटनेस स्टोरी।